हेलो यूट्यूब, स्वागत है आपका ब्लॉग चैनल में। आज आपके लिए एक खूबसूरत वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मनाली की वहसीन वादियों का, गांव का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाऊंगा। बहुत ही अलग अलग चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो ब्लॉग में इसी तरह की चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं, देखिए ये एक का जो फ्रूट ट्री आप देख रहे हैं, ये काफ़ी जो है इसमें ठंड की वजह से, ये आप देख रहे हैं कि पत्ते इसके जो हैं बिल्कुल बेंड से हो रखे हैं और कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो ठंड इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे पड़ती है उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट आप देख रहे हैं। लेकिन फ्रूट्स भी आप देख रहे होंगे, इसमें भी थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखिए, ये आप अभी एप्पल ट्री देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा जो है एप्पल ट्री है और एज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो पुराने पुराने हमारे पेड़ होते थे उनका साइज़ इस तरह से रहता है। और बगीचे के साथ में आप ये देख रहे हैं बहती हुई नदी, इसका जो साउंड होता है सुबह सुबह जब आप सुनते हैं तो एक मेडिटेटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। जब भी आप गांव में आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो एकदम से मन शांत और रिलैक्स हो जाता है। उसके साथ में आप ये बड़े बड़े जो पेड़ देख रहे हैं, ये बेसिकली लकड़ी के लिए उगाए जाते हैं। सर्दियों में इनकी लकड़ी का इस्तेमाल होता है विलेजेस में। अब नेक्स्ट जो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, पेड़ों के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आप जो सामने देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड ट्री आप देख रहे हैं, यंग ट्री है, इसमें ग्राफ्टिंग हो रखी है। और ये देख रहे हैं अभी पत्ते हैं, हालांकि टाइम दिसंबर का है, जो पतझड़ का मौसम है, पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें पत्ते हैं और काफ़ी यंग ट्री है। इतनी एज में आपको फसल मिलनी शुरू हो जाती है, सेब की फसल। ये सेब का पेड़ देख रहे हैं आप, और देखिए ग्रीन कलर के पत्ते भी देख रहे होंगे आप, येलो कलर के भी देख रहे होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में मैं रहा हूँ, वहाँ पर इस कलर चेंज को बेसिकली विंटर कलर चेंज के नाम से जाना जाता है और लोग बहुत आनंद उठाते हैं इसका। जब भी सीजन चेंज होता है तो पत्ते जो है अपना कलर चेंज करते हैं। तो ये देखिए एक और छोटा सा पेड़ दिखा रहे हैं आपको, उसके इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे जो मिट्टी है वो दिख रही है, घास नहीं है। इसको साफ किया जाता है ताकि पेड़ों को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सके। ये देखिए आप देख रहे होंगे पत्ते भी अभी हैं पेड़ों के ऊपर। ये भी एक अच्छा हेल्थ इंडिकेटर माना गया है कि पत्ते अगर ज़्यादा टाइम तक रहें तो पेड़ों के लिए अच्छा है। ये देखिए एक और पेड़ आप देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत लगती है इनको और ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, प्रूनिंग करनी पड़ती है, बहुत पूरा साल लग जाता है इसकी केयर में, तब जाके आपको एक बार फसल मिलती है। तो ये देखिए सामने आप देख रहे होंगे कि व्यू भी बहुत खूबसूरत है। तो यदि आप घूमने आएँ तो इस तरह से जो है इन बगीचों को भी आप विज़िट करें। स्पेशली समर्स में इनमें जो फ्लावरिंग होती है तब भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो है ट्रीटमेंट भी इस तरह से करना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, पेड़ों को पूरी केयर करनी पड़ती है। तो अब आप ये देख रहे हैं हमारी थोड़ी सी जो हमने यहाँ पे गार्डनिंग कर रखी है। तो ये देख रहे हैं आप बहुत ही बड़े साइज़ की मूली। तो ये एक हेल्थ इंडिकेटर भी हो जाता है कि जो आपकी सॉइल है काफ़ी न्यूट्रिशियस है, सब्जी वगैरह उगाने के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस है। ये ओवरग्रोन हो चुकी है तो इनका साइज़ अजीब सा रखा है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की मूली हैं बेसिकली ये। लेकिन टेस्ट इतना बढ़िया है इनका और इनकी जो हेल्थ के लिए जो इनका इफ़ेक्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये देखिए कितनी बड़ी है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर रह जाता है कि आपकी जो सॉइल है वो काफ़ी अच्छी है। और सुबह सुबह का जो मौसम, अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो काफ़ी अच्छा मौसम था, तो मुझे लगा कि इसको भी कैप्चर करूं। ये देखिए कितनी जो है बड़े साइज़ की है, और दूसरी पीछे आप देख रहे हैं वो भी बहुत ही एक्सट्रीम साइज़ है और काफ़ी ऊपर तक जो है ग्रो हो चुकी हैं ये, यानी जो सरफेस का लेवल है उससे भी ऊपर ग्रो हो चुकी हैं, कॉन्स्टेंटली जो न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो ये देखिए साथ का व्यू आपको दिखाया मैंने, अब आगे चलते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग जो है ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये तना है सेब के पेड़ का,
और जिस वजह से ये बना है कि ओल्ड एज होने के बाद ये पेड़ों को काट दिया जाता है, और क्योंकि ये ख़राब हो चुके होते हैं, इनकी एज पूरी हो चुकी होती है, तो इनको जो है, ये देखिए दूसरा अब कह रहा हूँ, इनको जो काट दिया जाता है, फिर इनकी जो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जलाने के लिए, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है ये पेड़ बेसिकली बीच से टूट गया है ज़्यादा वेट की वजह से। तो कई बार क्या होता है कि पेड़ अंदर से ख़राब हो जाते हैं, और जब इनमें फल उगते हैं तो वो भार यानी वेट को झेल नहीं पाते और गिर जाते हैं। तो इसी तरह से नई जो है फसल भी उगानी पड़ती है पेड़ों की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नए जो पेड़ हैं वो प्लांट किए जा चुके हैं, और इस तरह से ये जो साइकिल चलता रहता है बेसिकली। तो उसके पीछे आप माउंटेन रेंजेस देखिए, विलेजेस आप देख पा रहे होंगे, घर देख पा रहे होंगे, तो अलग अलग विलेजेस हैं, लोग इसमें जो है अब अपने विलेजेस में रहते हैं, उनकी एक कम्युनिटी होती है, और बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छे ढंग से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। विलेजेस का बहुत ही एक बढ़िया जो है इंटरेक्शन, और अगर मैं वो दूसरा वर्ड यूज़ करूँ कि उनका जो है इक्विलिब्रियम बहुत ही बढ़िया रहता है, विलेजेस का आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और ये आप देख रहे हैं हमारे जो फूल थे वो सर्दी की वजह से मुरझा गए, इनका जो है गर्मी में आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ठंड को टॉलरेट कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंड की वजह से देखिए थोड़े मुरझा गए हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, और इनकी जो सुगंध है वो बहुत ही अच्छी है। ये देखिए आपको ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ को आपको लेके जा रहा हूँ मैं, यहाँ से हम थोड़ा ना ऊपर की तरफ जाएंगे और वहाँ से मैं सामने का व्यू कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि पीछे के जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमारा रास्ता है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और सारा व्यू कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग व्यू दिखा दूँ। ये देखिए ये पेड़ जो है वो कटा है और वहाँ पर डिकम्पोजिशन शुरू हो चुकी है इसकी। तो इस तरह से जो है लाइफ साइकिल फूड चेन लगी रहती है। अब एक और व्यू दिखा दूँ मैं आपको, दिसंबर के महीने में आप पेड़ों पे सेब भी देख सकते हैं। ये देखें तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए बिल्कुल सेब हैं इस वक्त। और ये जो हैं विलेजर्स, हम लोग क्या करते हैं कि अपने खाने के लिए छोड़ देते हैं सेबों को, और ये मेंटेन रहते हैं, और जब आपका मन करे तो आप निकाल सकते हैं। ये देखें आप सामने देख पा रहे होंगे, उन पेड़ों के बारे में मैं आपको बता चुका था, वही पेड़ हैं। और इस तरफ को भी थोड़ा सा आपको दिखा देंगे। अब ऊपर चलते हुए तो मैंने आपको बताया कि पहाड़ों में तो आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, बड़े बड़े पत्थर भी आपको मिलेंगे, ट्रैक आपका बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आप शौकीन हैं हाइकिंग करने के तो आपको बहुत ही बढ़िया लग सकता है, और हाइकिंग के टाइम में आप जो अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें, शूज़ वगैरह अच्छे पहने। तो अब देखिए हम लोग कर रहे हैं हाइकिंग, करते करते काफ़ी ऊपर जो है हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया जो पेड़ है यूज़ होता है, और हमारे डे टू डे वर्क में यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें। आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही बढ़िया व्यू है। अब तो काफ़ी ऊपर जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अब माउंटेन रेंजेस जो हैं काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा ऊपर आए हैं हम, तो यहाँ पे लोगों के जो होते हैं ना इस तरह से होते हैं, बगीचे होते हैं, जगहें होती हैं। तो ये देखिए काफ़ी जो ऊपर जाने के बाद आपको वो वाला माउंटेन काफ़ी क्लोज लग रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे स्टीप हिली एरिया में भी क्लीन किया होता है, ताकि जो है पेड़ों को उगाया जा सके, मेंटेन किया जा सके। और सामने आप बढ़िया पहाड़ देख रहे होंगे, सुंदर लग रहे हैं इस वक्त, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए काफ़ी स्टीप हिल है। एक और जो है वो मैं आपको छोटा सा बगीचा, सेब का बगीचा दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल नए जो पेड़ हैं उन पे मेहनत की गई है, उनको मेंटेन किया गया है, और बहुत मुश्किल होता है इनको मेंटेन करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जगह जो है उनके लिए सूटेबल नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो देखिए छोटे छोटे पेड़ हैं तो ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं और फिर जो है आपको क्रॉप हार्वेस्टिंग का जो है जो आपका साइकिल है बना रहता है। तो ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे का लैडर टाइप से इस स्टीप हिल को मेंटेन किया गया है, बिल्कुल स्टीप नहीं रखा है, तो इसमें स्टेप्स बने हुए हैं और पीछे की तरफ को माउंटेंस दिख रहे होंगे आपको और पेड़ दिख रहे होंगे। तो इनकी जो है फिर से मेंटेनेंस की जाएगी, इनको इनकी प्रूनिंग वगैरह होगी इस टाइम जो दिसंबर के टाइम में। तो इसके ऊपर ये देखिए पत्ते भी गिरने शुरू हो गए हैं, उन्होंने कलर चेंज करना शुरू कर दिया और सामने का भी देखिए बादल भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें भी आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने पीछे वीडियो में आपको दिखाया था कि साथ में एक छोटी सी नदी रहती है और यहाँ पे भी वो है, लेकिन ये थोड़ी सी फर्न यहाँ पे देखिए ग्रो हो जाती है। जो पानी के साथ का जो एरिया होता है उसको मेंटेन करना ट्रिकी होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो पानी के साथ के एरिया में अक्सर ये चीज़ें उग जाती हैं। दूसरे जो पेड़ मैंने आपको बताया था लकड़ी के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, कोइश के पेड़ जिनको कहा जाता है, वो काफ़ी उग जाते हैं और ये एरिया कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पानी का सोर्स ज़रूर होगा। तो ये देखिए पानी का सोर्स है, तो यहाँ से पानी जा रहे हैं इस तरफ को, नीचे की तरफ को, और ये पानी जो है खेतों में यूज़ किया जाता है, फसल के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप सब्जी वगैरह उगाना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी रहते हैं। अगर ड्रॉबैक की बात करूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखिए इस तरह से जो है कुछ दूसरे पेड़ उग जाते हैं पानी के साथ साथ, और इनको मेंटेन करना, सेब के पेड़ों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर पानी के बिल्कुल क्लोज। तो ये देखिए बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब आपको लास्ट व्यू दिखा देता हूँ घर के पास का। हम लौट चुके हैं, ऊपर से आ चुके हैं, थोड़ी सी हमने हाइक की और उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये जर्नी, हमारी छोटी सी जर्नी अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आपको अपडेट देता रहूँगा, मौसम का भी अपडेट देता रहूँगा, हमारे खूबसूरत इलाके का भी अपडेट देता रहूँगा और उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।